जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शाहजहां के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग मुगल वंश को कवर कर रहे हैं। एक वीडियो और आएगा औरंगजेब का, उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सीरीज है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उसके पश्चात हम लोग क्या शुरू करेंगे, उत्तर मुगल काल जो आधुनिक भारत के तहत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप लोग कई दिनों से हमारे चैनल पर होंगे तो आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। अगर आप सब कहेंगे तो यह सीरीज खत्म करके हम लोग एक एमसीक्यू का टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और हिंदी माध्यम से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आप लोगों को हिंदी माध्यम से 400 से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाइए और नोट्स अपना बनाना शुरू कर दीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग देखेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां मुगल वंश का 5वां शासक है। पहला बाबर था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, ठीक है। आज हम लोग इसे कवर करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक है। पहले हम लोग देखेंगे इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके बाद शासक बनते ही चुनौतियां इस पर आती हैं, विद्रोह होते हैं उसे हम लोग समझेंगे, फिर इसके द्वारा किए गए विजय अभियान को समझेंगे। आप सबको पता होगा कि जो जहांगीर था इसका पिता, उसके टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन शाहजहां के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी हम लोग समझेंगे। इसने क्या क्या निर्माण करवाया वो भी समझेंगे। इसका कला, संस्कृति, साहित्य में क्या कैसे विकास था, सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक। टाइम पीरियड 1627 से 1658 ईस्वी तक। जन्म 1592 में हुआ। इसके बचपन का नाम खुर्रम था, इसके पिता के बचपन का नाम सलीम था, ठीक है, और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इसका राज्याभिषेक 12 फरवरी 1528 ईस्वी में किया जाता है, लेकिन इसके पहले जो जहांगीर था वह इसे दक्षिण भारत के अभियान पर भेजता है। तो जब यह दक्षिण भारत के अभियान पर विजय प्राप्त करके आता है तो इसे उसने शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, लेकिन जब यह खुर्रम सूबेदार बनता है और इसे दक्षिण भारत के अभियान पर इसका पिता जहांगीर भेजता है, जब यह दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके वापस आता है तो इसका पिता इससे प्रभावित होता है जहांगीर, और इसे शाहजहां की उपाधि प्रदान करता है, ठीक। तो बचपन का नाम खुर्रम, पिता ने किसकी उपाधि प्रदान की, शाहजहां की, लेकिन जब यह 12 फरवरी 1528 को शासक बना तो इसने स्वयं एक उपाधि धारण की, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। आपको देख के लग रहा होगा कि पूरे एक फैमिली का नाम है, लेकिन इस अकेले बंदे का नाम है। पता नहीं कैसे लोग याद रखते थे उस समय में, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक, कि शाहजहां ने शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी। तो अबुल मुहम्मद, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, ठीक है। उसके बाद 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह होता है। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी, तो आसफ खान की पुत्री थी। आसफ खान कौन था, तो वह नूरजहां का भाई था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है अर्जुमंद बानो बेगम जिन्हें आगे चलकर यह मुमताज महल की उपाधि देता है, और मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में होती है। इसकी मृत्यु के बाद इसी के याद में वह ताजमहल का निर्माण करवाता है आगरा में, जो है वर्तमान में, ठीक। आप लोग गए भी होंगे, बहुत सारे लोग घूम के आए होंगे। देखिए, जो अर्जुमंद बानो बेगम सी, इससे इसे कुल 14 संतानें हुई। ध्यान से सुनिएगा, 14 संतानों की प्राप्ति हुई मुमताज महल से। किसे, शाहजहां को। उनमें से 7 के बारे में इतिहास में वर्णन किया गया है जो सत्ता से संबंधित थे, इसे हम लोग समझेंगे। 7 में से 4 पुत्र थे, दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। ये 4 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। इस तरह से लिखने का मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, बहुत ईजी चीज है। दारा सिकोह का साथ जहां आरा देती है, औरंगजेब का साथ रोशन आरा देती है, मुराद बख्श का साथ गौहन आरा देती है, लेकिन शाह शुजा का साथ कोई नहीं देता है। सर, ये साथ कब देती हैं, जब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है तो ये बहनें अपने भाइयों का साथ देती हैं, लेकिन शाह शुजा का साथ कोई नहीं देता है। इस वजह से यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये भी पूछा गया है कि किस भाई का साथ किसी बहन ने नहीं दिया था, तो वह शाह शुजा है, और इस तरह से मैच करने के लिए भी देता है आपको, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग विस्तृत समझेंगे, ठीक। जब यह शासक बनता है तो उस समय इसे 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
पड़ता है। देखिए, आगरा में राजधानी थी मुगल वंश की, आगरा में ही जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है तो यह जो शाहजहां है यह आगरा में नहीं था, यह किसी अभियान पर गया हुआ था। लेकिन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो जहांगीर था वह चाहता था, जहांगीर जो था उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो ने विद्रोह किया था सत्ता प्राप्त करने के लिए, लेकिन जहांगीर ने उसे क्या किया था, उसके विद्रोह को दबाकर अंधा करके उसे किले में बंद कर दिया था, कैद कर दिया था। लेकिन वह शाहजहां का बड़ा भाई था तो शाहजहां डर रहा था कि कहीं यह कैद से बाहर आया तो शासक ना बन जाए, तो शाहजहां ने खुसरो को कैद में ही गला दबाकर मार दिया था। लेकिन जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो उस समय उसी खुसरो का एक पुत्र था जिसका नाम दाबर बख्श था, दरबारियों ने उसे क्या किया, बादशाह नियुक्त कर दिया। इसे यह चीज पता लगती है, जैसे ही वह आगरा की तरफ आने का प्रयास करता है उसे यह भी पता लग जाता है कि इसका जो एक भाई था शहरयार अपने आप को लाहौर में बादशाह घोषित कर देता है। शहरयार कौन था, तो शहरयार भी इसका एक भाई ही था, और शहरयार के साथ किसकी शादी हुई थी, तो लाडली बेगम की शादी हुई थी। और लाडली बेगम कौन थी, तो नूर जहां की पुत्री थी। मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि नूर जहां की पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से हुई थी, और नूर जहां का जो भाई था आसफ खान उसकी पुत्री की शादी किसके साथ हुई थी, शाहजहां के साथ, और उस पुत्री का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, तो जो आसफ खान था वह चाहता था कि शाहजहां बादशाह बने, लेकिन जो नूरजहां थी वह चाहती थी कि शहरयार बादशाह बने, क्योंकि उसकी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ हुआ था। तो उसके सहयोग से शहरयार लाहौर में अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, और जैसे ही यह बात शाहजहां को पता लगती है तो वह आगरा की तरफ आता है, लेकिन अपने ससुर अर्थात आसफ खान को वहीं एक पत्र भेजता है कि जितने भी उत्तराधिकारी हैं मेरे आने के पहले आप उन सबको खत्म कर दो। तो इसका जो ससुर था अर्जुमंद बानो बेगम का पिता आसफ खान सभी अधिकारियों की हत्या कर देता है, उसके बाद पूरी सत्ता खाली हो जाती है, फिर आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक किया जाता है। और जैसे ही इसका राज्याभिषेक होता है आसफ खान के बदौलत यह शासक बना है, क्योंकि उत्तराधिकारियों की हत्या की थी उसने, तो आसफ खान को इसने 400 का मनसब दिया और वजीर के पद पर रखा। उस समय वजीर बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता था। मनसब क्या है पिछले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब यह शासक बनता है तो कुछ विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह 1628 से 35 के बीच में बुंदेलखंड में जुझर सिंह ने किया। सर, जुझर सिंह था कौन, ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल नाम का एक कवि था, आप सबको पता होगा। उसकी हत्या कैसे हुई थी मैंने आप सबको बताया था। अकबर का जो पुत्र था जहांगीर अर्थात शाहजहां का पिता, जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। वीर सिंह बुंदेला कौन था, तो वह बुंदेलखंड का क्या था, वह सरदार था वीर सिंह बुंदेला। उसने हत्या कर दी थी अबुल फजल की। अगर आप लोग देखें तो वीर सिंह बुंदेला का संपर्क जहांगीर से बहुत अच्छा था, लेकिन जब शाहजहां आता है तो वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु हो चुकी होती है। वीर सिंह बुंदेला का एक पुत्र था जुझर सिंह, बुंदेलखंड में सत्ता संभाले हुए था, सूबेदार था, और यह शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर देता है। आगे चल के इस विद्रोह को शाहजहां दबा देता है। ठीक है, तो जुझर सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, तो वीर सिंह बुंदेला का यह पुत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1628 और 31 के टाइम पीरियड में खानजहां लोदी नाम का एक अफगानी सरदार था, यह भी विद्रोह कर देता है। था यह मुगलों के अधीन, लेकिन यह मुगलों से ही क्या करता है, विद्रोह करके अहमदनगर भाग जाता है। लेकिन 1931 में खानजहां लोदी की हत्या शाहजहां कर देता है, कहां पर, तो अहमदनगर में। ठीक, गर्मी है, थोड़ा अप्रिसिएट करेंगे आप लोग। फिर 1932 में पुर्तगालियों ने विद्रोह किया, हुगली नदी पर अधिकार कर लिया, तो 1932 में इसने क्या किया, हुगली नदी पर कब्जे को हटाया। ठीक, तो ये तीन विद्रोह थे। उसके बाद सिख धर्म से तो आप सबको पता ही है, जहांगीर के समय से ही सिखों के साथ इनका 36 का आंकड़ा था। क्यों, क्योंकि उसके जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या कर दी थी जहांगीर ने। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दी थी। क्यों, क्योंकि वह खुसरो का साथ दे रहे थे जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने में। ठीक है,
तो उस समय जब जहां शाहजहां शासक बना तो उस समय जो सिखों के गुरु थे वो हरगोविंद थे, इनसे संघर्ष चलता रहा लेकिन रुका नहीं था, विजय नहीं प्राप्त हुई थी। ठीक है, कहा जाता है कि संघर्ष छोटी छोटी बातों के लिए होता था। शाहजहां कहते हैं कि एक बार आखेट खेल रहा होता है तो जिस बाज का यह शिकार करना चाहता है वह हरगोविंद सिंह के पास चला जाता है या उनके क्षेत्र में चला जाता है, तो उस बाज को लेकर इन दोनों में संघर्ष हो जाता है, सिखों में और मुगलों में। ठीक, तो छोटी छोटी चीजों से यह निरंतर चलता ही रहता है छुटपुट रूप में। ठीक है, चलिए उसके बाद यह साम्राज्य का विस्तार करता है। विद्रोहों को दबाने के बाद जाहिर सी बात है शासक साम्राज्य का विस्तार करेगा, तो सबसे पहले यह दक्षिण भारत पर अभियान करता है और 1629 से 36 के बीच में अहमदनगर पर यह विजय प्राप्त कर लेता है। फिर 1636 में यह गोलकुंडा से संधि करता है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के अभियान में अहमदनगर पर यह अधिकार कर लेता है, विजय प्राप्त करता है, लेकिन गोलकुंडा के साथ संधि करता है, विजय नहीं प्राप्त करता। वहां का जो वजीर था जिसका नाम मीर जुमला था, इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये वही कोहिनूर हीरा है जो वर्तमान में रानी विक्टोरिया के पास है, कहां, इंग्लैंड में, उसके ताज में लगाया गया है। लेकिन जब मीर जुमला जो गोलकुंडा का वजीर था शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करता है, तो वह कोहिनूर हीरा लाकर मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस में उसे जड़वा देता है। कौन? शाहजहां। ठीक है, सॉरी, गोलकुंडा के बाद 1636 में ही बीजापुर के साथ यह संधि करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा बीजापुर का सूबेदार भी बना था कौन, औरंगजेब। औरंगजेब आप सबको पता होगा कि दक्कन का सूबेदार था, लेकिन उसके पहले वह बीजापुर पर भी विजय प्राप्त करता है। कौन? औरंगजेब। तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब शाहजहां का ही पुत्र था। ठीक है, तो दक्कन का सूबेदार उसे ज्यादा समय के लिए बनाया गया था। उसके बाद यह कंधार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह सब क्या हो गए? दक्षिण भारत पर विजय, लेकिन कंधार कहां पर था? जैसे आप लोग इंडिया का मैप इस तरह से देखते हैं, इस तरह से, तो यह जो क्षेत्र था यह कंधार का क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। यहीं से विदेशी लोग भारत आने का प्रयास करते थे। तो इसने सोचा शाहजहां ने कि मैं कंधार पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो कोई भी विदेशी अब यहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन जब जहांगीर का शासन चल रहा था उसी समय 1622 ईस्वी में ईरानी लोग जो फारस के थे उन्होंने कंधार पर कब्जा किया हुआ था। आगे चल के 1628 में मुगलों के अधीन में आता है कंधार, लेकिन 1648 में फिर से यह फारस के अधीन चला जाता है। कौन? कंधार। ठीक है, कंधार पर किनका अधिकार था? तो 1622 ईस्वी से ईरानियों का अधिकार था जिन्हें फारसी कहा जाता था। उसके बाद 1628 में शाहजहां वहां पर विजय प्राप्त करता है, 20 वर्षों तक शासन करता है, अपने कब्जे में रखता है, लेकिन 1648 में फिर से वहां फारस के लोग उसे जीत लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग स्थापत्य कला पर। मैंने आप लोगों को बताया कि जो शाहजहां था इसके टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके पिता जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने दिल्ली में लाल किला बनवाया, याद रखिएगा, जो आगरा में लाल किला है उसे अकबर ने बनवाया था। एक व्यक्ति एक दिन कमेंट कर रहे थे कि आगरा में लाल किला नहीं है, आप गलत बता रहे हो डियर, जो आगरा में अकबर ने किला बनवाया है उसे भी आगरा का लाल किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आगरा के लाल किले का निर्माण कौन करता है? अकबर। लेकिन दिल्ली में जो वर्तमान में लाल किला है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। यहीं पर उसने दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। और दिल्ली में ही इसने एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जो वर्तमान में आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलती है, जामा मस्जिद। ठीक, और आगरा की मोती मस्जिद, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला आप लोगों को ये क्वेश्चन है। देखिए, एक किला आगरा में हो गया जिसका निर्माण अकबर ने करवाया, एक किला दिल्ली में हो गया जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। दोनों को लाल किला बोला जाता है, लेकिन दोनों किलों में क्या थी? मोती मस्जिद थी। ध्यान से देखिएगा, आगरा के लाल किले का निर्माण करवाता है शाहजहां, लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण यह आगरा के लाल किले में करवाता है। जो निर्माण इसके दादा अर्थात अकबर ने करवाया था, आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, लेकिन उसमें मोती मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। और दिल्ली में इसने लाल किला का निर्माण करवाया, लेकिन दिल्ली में जो वर्तमान में आप लोगों को मोती मस्जिद देखने के लिए मिलती है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। कंफ्यूजन होता है इसलिए बता रहा हूं। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद कौन बनवाता है?
तो वहां बनवाता है औरंगजेब। आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद कौन बनवाता है? शाहजहां। ठीक है, आगरा के लाल किले का निर्माण कौन करवाता है? अकबर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक, आइए ताजमहल पर चलते हैं। ताजमहल के जो आर्किटेक्चर थे, वास्तुकार थे, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी, दो व्यक्ति इसके वास्तुकार हुआ करते थे। और इसके निर्माण में भारतीय कला शैली, ईरानी कला शैली और मध्य एशिया की कला शैली का मिश्रण करके बनाया गया था। आगरा के लाल किले को प्रश्न बनता है, इस वजह से हम लोग डीपली समझ रहे हैं। इसमें जो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, यह राजस्थान के मरकाना नामक जगह से लाया गया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ, 1653 में खत्म हुआ। देखें तो 21 से 22 वर्ष तक इसका निर्माण चलता है, आगरा के ताजमहल का। किसके लिए बनवाया गया था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका नाम मुमताज महल था, इनकी मृत्यु 1631 में होती है, तो 32 से यह काम शुरू करवा देता है। ठीक है, उनकी याद में इसने बनवाया था, शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं, इसी ने दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना की। देखिए, इसका जो दादा था अकबर, वह जब गुजरात का विजय करके आ रहा था, तो उसने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। किसकी? फतेहपुर सिकरी नामक शहर का निर्माण करवाया था। वहाँ पर पंचमहल, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा और बुलंद दरवाजा, ये सब बनवाया था। और राजधानी उसने आगरा से ले जाकर फतेहपुर सिकरी में कर दी थी। किसने? अकबर ने। लेकिन आज आप लोग वर्तमान समय में जो पुरानी दिल्ली देखते हैं, उसे पहले शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नगर बनाया और वहां पर राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। तो पूछा जाता है कि आगरा से फतेहपुर सिकरी राजधानी कौन ले गया था? तो अकबर, क्योंकि फतेहपुर सिकरी नगर का निर्माण ही अकबर ने करवाया था। लेकिन आगरा से दिल्ली राजधानी कौन ले गया? तो शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक शहर की स्थापना की थी और लाल किला का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो 1638 में वहां इसने राजधानी भी बनवाया शाहजहानाबाद को। उसके बाद देखें, मयूर सिंहासन का निर्माण इसने करवाया, जिसे तख्ते ताऊस बोला जाता था। लाल किला में ही यह स्थित है, आप लोग देखेंगे, इस समय तो नहीं है, लेकिन वो जगह है, दीवाने आम, दीवाने खास आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। और मयूर सिंहासन का जो वास्तुकार था, उसका नाम था वे बादल खां। वे बादल खां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? तख्ते ताऊस। ठीक है, गर्मी बहुत है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यह संगीत और चित्रकला में उतना रुचि नहीं लेता था, लेकिन इसका एक प्रसिद्ध संगीतकार था लाल खां, जिसे इसने गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की थी। एक चित्रकार था जिसका नाम मोहम्मद फकीर था और एक था मीर हासिम। इसके दरबार में दो चित्रकार रहते थे, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, और एक संगीतज्ञ रहता था जिसका नाम लाल खां था, इसे इसने गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की थी। इस तरह से शाहजहां से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ कि कौन शासक बनेगा, जितने पुत्र हैं सब आपस में लड़ेंगे। देखिएगा होता क्या है, अचानक से 1658 ईस्वी में पता चलता है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। लेकिन शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी, शाहजहां क्या हुआ था, बीमार पड़ गया था। इसके पुत्रों को पता चला कि मृत्यु हो गई, तो वो शासक बनने के लिए आतुर हुए और भाग चले। आप लोग कहेंगे कि सर क्या उस समय शासक बनने की कोई नीति नहीं थी क्या? नहीं, जैसा कि आप लोग देखते हैं कई जगहों पर दिखता है कि ज्येष्ठाधिकार रखा जाता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो शासक बनेगा। एक मिनट, पसीना बहुत हो रहा है, एक मिनट दीजिएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, कहां थे हम लोग? उत्तराधिकार के लिए युद्ध। ठीक है, 1658 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, सॉरी मृत्यु नहीं होती है, बीमार पड़ता है। इसके पुत्रों को पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह बीमार था लेकिन वह मरा नहीं था। ठीक, तो इसके जो पुत्र थे आपस में सत्ता पाने के लिए लड़ने लग जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था कि जो बड़ा पुत्र हो वही शासक बनेगा, लेकिन शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड में ही दारा सिकोह को क्या किया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि जब उत्तराधिकार की बात आती है तो कई युद्ध होते हैं। 1658 में बहादुरपुर का एक युद्ध होता है, जिसमें दारा सिकोह शाह सुजा को पराजित करता है।
शाहशुजा को पराजित करता है दारा शिकोह। तो दारा शिकोह अब अव्वल हो गया सबसे। लेकिन 1658 में धर्मद का युद्ध होता है, इसमें औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित कर देता है, औरंगजेब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मई 1658 में फिर से सामूगढ़ का युद्ध होता है एक, जिसमें औरंगजेब फिर दारा को पराजित कर देता है, दारा शिकोह को, कौन, औरंगजेब। तो तीन युद्ध हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में होता है मार्च 1659 में देवराई का युद्ध, जिसमें दारा शिकोह की पराजय पूर्णतः हो जाती है और इसके बाद दारा शिकोह की हत्या भी कर दी जाती है। तो इस तरह से जो औरंगजेब है, दारा शिकोह किसे पराजित करता है, शाहशुजा को, लेकिन आगे चलकर वही शाहशुजा औरंगजेब के साथ हो जाता है और दारा शिकोह को पराजित कर देता है। आगे चल के औरंगजेब अपने सभी भाइयों को पराजित करके क्या करता है, सत्ता में आ जाता है, उन सबकी हत्या करवा देता है, ठीक। तो देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से कौन सा युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था। तो जो थे वो कौन कौन थे, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मद का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। आगे चल के आप लोग देखेंगे कि जब औरंगजेब शासक बनेगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, औरंगजेब के जो पुत्र थे वो भी आपस में लड़ते हैं, किसके लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो उस समय एक निर्णायक युद्ध होता है, जाजाऊ का युद्ध, जिसे जजाऊ का युद्ध बोलते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। तो ये सारे युद्ध जो उत्तराधिकार के लिए हैं आप लोग याद रखिएगा, यूपीएससी यहीं से पॉइंट उठाता है, कभी भी क्लियर नहीं पूछता कि इनका टाइम पीरियड क्या था, कौन किसका पुत्र था, बिल्कुल नहीं, वो ऐसे प्रश्न उठाएगा जहां आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो इन उत्तराधिकार वाले युद्धों को प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब औरंगजेब शासक बनता है तो 1658 से 1666 ईस्वी तक शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रख दिया जाता है और अंततः आगरा के किले की कैद में ही शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, ठीक। कहते हैं कि वह झरोखे से ताजमहल को ही देखता रहा और देखते देखते उसकी मृत्यु हो गई थी। तो शाहजहां जो एक प्रतापी शासक था, इसे कैद में बंद किया था औरंगजेब ने आगरा के किले में, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। चलिए ये सब हो गया, थोड़ा दारा शिकोह के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। दारा शिकोह वही है जिसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और यह पहला पुत्र था उसका, सबसे बड़ा, ठीक। यह धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु था, कुशल अनुवादक और विद्वान था, कई सारे ग्रंथों का इसने अनुवाद किया था। लेन पुल नामक एक इतिहासकार हैं, इन्होंने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो प्रश्न बन सकता है माई लॉर्ड कि लघु अकबर की संज्ञा लेन पुल ने किसे दी थी मुगल वंश में, तो वह दारा शिकोह था। किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का ही बड़ा भाई था, औरंगजेब ने ही दारा शिकोह की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसने कुल 52 उपनिषदों का क्या किया था, अनुवाद किया था फारसी भाषा में। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी भाषा में, किस नाम से, सिर ए अकबर। ये प्रश्न बनता है कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो अनुवाद फारसी भाषा में किया तो किस नाम से किया, तो सिर ए अकबर के नाम से, लघु अकबर भी इसे बोला जाता है, लेनपुल ने कहा था, ठीक। इसे शाहजहां ने एक उपाधि दी थी, किसने, जहांगीर ने, जो इसका पिता था, जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी, शाह बुलंद इकबाल। तो आप लोग देखेंगे इसे दो उपाधियां प्राप्त हुई, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि इसके पिता जहांगीर ने इसे दी थी और लघु अकबर की उपाधि एक प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल ने दिया था। तो ये था आज का वीडियो, मैंने कोशिश किया कि शाहजहां से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहां से आप लोगों के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, मैं पूरा करूं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए कि मेरा प्रयास कैसा रहा, आप लोगों को इससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और हाँ, एक चीज़ है, कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मुगल वंश का एमसीक्यू चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं प्रयास करता रहता हूँ और आप लोगों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, जो मुगल वंश का सबसे अंतिम प्रतापी शासक होता है। उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग मॉडर्न इंडिया के तहत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।